नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि इंडस्ट्रीज में जो बोल्ट यूज करते हैं उन बोल्टों के ऊपर हमेशा कुछ न कुछ नंबर हमें देखने को मिलता है। अब वो नंबर जो है वो हमें क्या दर्शाता है, वो बेल्ट की बोल्ट की लंबाई है, बोल्ट की स्ट्रेंथ है, या बोल्ट की कुछ और स्पेसिफिकेशन को दर्शाती क्या है। दोस्तों, इसी चीज को हम जानते हैं। हम इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे कोई बोल्ट अगर लगाते हैं और कंटिन्यूअस अगर वहां पे बोल्ट का फेल्योर होता है, एक ही जगह से बार बार टूटना, बोल्ट का सियर होना, वो किसी न किसी रीजन से होता है। आज हम देखते हैं कि बोल्टों के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो हमें क्या सिखाता है, क्या बतलाता है और उससे हम क्या जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये इन बोल्टों पे जनरली हम जो नंबर देखते हैं वो हमें दिखता होगा 4.6, 8.8, 10.9 या फिर 12 समथिंग गेट का। अब दोस्तों, ये जो बोल्ट पे नंबर है वो हमें दिखाता है कि इन बोल्टों का ग्रेड कौन सा है। ग्रेड यानी कि ये इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है और यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। दोस्तों, इन्हीं चीजों को हम जानते हैं एक एग्जांपल के तरह। मान लिया कि हमारे पास कोई बोल्ट है जिसका कि ग्रेड है 4.6। अब ये हमें क्या बतलाएगा? जनरली ये जो ग्रेड है उसको हम लेते हैं x into y यानी कि x डॉट y के फॉर्म में। फर्स्ट डिजिट जो है वो हमें बताता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डिजिट ऑफ द ग्रेड इंटू 100। जैसे और 4.6 का जो है वो फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 इंटू 100 यानी कि ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेगा इसका, ये रहेगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 400 मेगा पास्कल। दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि ये मैक्सिमम जो लोड लेगा ये 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर ही लेगा। अब सेकेंड डिजिट वो हमें बताता है यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें पता चल चुका है, तो यील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है अल्टीमेट स्ट्रेंथ इनटू डॉट वाई यानी कि जो सेकेंड डिजिट ऑफ द ग्रेड है। अब यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारा 400 न्यूटन मीटर और जो सेकेंड डिजिट वो है 0.6 यानी कि जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर 240 मेगा पास्कल। यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि 240 न्यूटन मीटर पे जब ये आएगा तो इसमें जो है फिर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ भी गए होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि अगर आपका बोल्ट 10.9 ग्रेड का है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा और यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आपको मैं कुछ नई जानकारी दे पाया। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया ला सकूं और नया बता सकूं। धन्यवाद।